right answer. We should give something to them. And I just smiled. Yes, it is our very own Sandeep Malani, acted in how many languages? 11. I'm Shetty. I'm so proud to announce his name because, of course, mere language mein to kiya hi hai, Tulu, Kannada, Tamil, Telugu, Odia, Maharashtra, and most important, Japanese too. So may I request Mr. Sandeep Malani to please come on stage? Konnichiwa, beautiful Japanese. They welcome you all in Japanese. Konnichiwa, that's hello. Yeah. Acha, Namaunji, I am in a tourist family. Namaunji, specially in Malaga. Whatever language, he learns. Artha, 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶಾ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಪ್ಪಿ ಇರ್ಕಿದೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕೊನಿಚಿವ ಗೆಂಕಿ ದಿಸ್ಕಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಬಾಗುನಾರಾ ಐ ಆಸ್ ಜಾಪನೀಸ್ ವಾಸ್ ಕೊನಿಚಿವ ಗೆಂಕಿ ದಿಸ್ಕಾ ಬಾಗುನಾರಾ ಸರ್ ಚೋಟಾ ಬಚ್ಚಾ ತಾಲಿ ಬಜಾನಾ ಥಾ ಆಪ್ಕೆ ನಲ್ಲಾ ಇರ್ಕಿಲ್ಲ ಪಂಜಾಬಿ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಚಿಗೋ ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬಿ ನೇ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬಿ ಹಿ ಆಪ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಂಗೆ okay, that's him. I think apart from the languages, aapke looks bhi change hote rehte hain. Yeah, because right now I'm acting in a couple of movies and my look is supposed to be like this because that's a very young look and now matured look. No, you still look very young. And, yeah, I didn't get hard, but this is my look for the films. Achha, ye jo aapka Shridevi ka jo fan following hai, what exactly? श्रीदेवी को मैं बचपन से जब से मैं 7 साल की उम्र में था तब से आई बीन अ फैन उससे बड़ा डिवोटी हूँ मैं एंड मोस्टली एवरीबडी नोज दैट आई हैव बीन हैविंग द एंटायर फिल्मोग्राफी फॉर एनसाइक्लोपीडिया आई रन द श्रीदेवी फैन पेज फेसबुक पेज इन फैक्ट वेल मॉम बिफोर मॉम आई वाज द ओनली वन हु टोल्ड बोनी कपूर दैट 300 films मेड द एंटायर फिल्मोग्राफी मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हर बीन टू कांस फिल्म फेस्टिवल lot of things I have also dedicated a film made called Janleva 555 for Shridevi actually wow. Like in the feature film that directed I think unhi ki wajah se aap film industry mein ho yes she's my inspiration yeah wow. and she is very much alive I celebrate her every day wow great to be here because this is a platform which has been developed by one of my best student and my friend now, Mr. Pankaj Kamal. दुनिया में सब लोग पिक्चर बनाना चाहते हैं और पिक्चर बनाने के बाद आगे चीज़ें देखना पड़ता है बिकॉज बड़े बड़े थिमिंग ग्लास और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस उनको आगे आने नहीं देते ज़्यादा करके तो एज फार एज माई 35 years एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री सो उनके लिए इन्होंने एक ऐसा फर्स्ट स्वदेशी OTT ऐप बनाया दुनिया का कोई भी कोने में हो एक आदमी अपना पिक्चर को रिलीज करना चाहता है वो इसमें अपलोड कर सकता है जो इसमें अपलोड करने के बाद इनका एक सेंसर टीम भी है वो टीम इसको वेरीफाई करेगा वेरीफाई करने के बाद उसमें ऐसा कोई बात नहीं है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा मेन प्लेटफॉर्म में बट बिफोर दैट जो आदमी उसको अपग्रेड करना चाहते हैं उसके लिए दो चीज़ का उसमें ऐप में सुविधा है एक पर्सनल बोले तो इट्स ए पर्सनल फॉर्मेट दूसरा है बिजनेस फॉर्मेट जब भी वो बिजनेस फॉर्मेट में अपलोड करेगा उसमें पूरा उसका बायो डिटेल अकाउंट डिटेल सब कुछ आ जाएगा सो जब भी ये फिल्म चलेगा इसमें ऑलरेडी प्रिडिक्टेड सब्सक्राइबर है क्रोस सब्सक्राइबर अभी तक है इसमें वो सब्सक्राइबर का माध्यम से उसमें जो मनी जनरेट होता है वो पैसे को बांट देते हैं 50-50 टू द man who has uploaded the movie and
to the organization. So I went from there last year October. So being a sales person, मुझे लगा कि अब जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई, रिटायरिंग हुए कंपनी से, जॉब से, ना कि जिंदगी से. तो मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, पीछे मैं बहुत कम देखता था. उसके पीछे रीजन था क्योंकि बचपन से जब मैं 9th-10th में था और पिक्चर देख के निकलने की तो बात ही दूर रही. इंटरवल में जब मैं निकलता था, हाँ मैं एकदम स्लिम थी, ज्यादा नहीं 42-43 का वेट हुआ करता था, लेकिन वो फाइट और सीन और इमोशन देख के जब मैं इंटरवल में निकलता था ना, दुबला पतला होने वाला मुझे मैं खुद अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन बन जाए. शादी के बाद ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ, मुझे लगा यार ये सब मुझे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देख के मेरा जोश, खून इतना खोल उठता है कि मैं तुरंत उस प्लेटफॉर्म पे चला. बट ठीक है, थिएटर में जाकर नहीं देखता था, प्लेटफॉर्म पे टीवी में कभी कभार देखता था. रियल लाइफ में पिक्चर तो बहुत बने सेल्स इस टाइम में, तो मेरे मन में जुनून था क्यों ना कुछ नया करके देखा. सो दैट्स व्हाई आई हैव फॉर्मड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई होप इट विल डू वंडर्स इन कमिंग ईयर इटसेल्फ. थैंक यू. थैंक यू सर. सुनीता जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फेलोशिप विद अस सर. आई तहे दिल से नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको भी. आप लोगों ने अपना कीमती समय आज हमारे शो में दिया है, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए दिया है, इसके लिए आप सभी को हमारा कोटि कोटि नमन. अब सैंडस्टोन प्रो चूंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया का पहला स्वदेशी ओपन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मैंने बहुत रिसर्च किया क्योंकि मैं खुद भी एक प्रोड्यूसर रह चुका हूं और फिल्म बनाने के बाद रिलीज नहीं कर पाया, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे, काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस झेले मैंने. फिर दिमाग में बहुत तरह की बातें आने के बाद हमने बहुत सोचा, बहुत तरह की चीज़ें रिसर्च की, सारे ऐप रिसर्च कर डाले, तब हमने कुछ चीज़ों को बहुत नोट किया. अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्लेटफॉर्म देखे हैं, चाहे वो हॉटस्टार हो, Z5 हो, नेटफ्लिक्स हो, टॉप क्लास के प्रोड्यूसर्स तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वो पहुंच जाते हैं, उनको आसानी से प्लेटफॉर्म मिल जाता है. लेकिन जो मिडिल क्लास के प्रोड्यूसर्स हैं या लोअर क्लास के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर सही वायर नहीं मिला, सही कनेक्शन नहीं मिला, तो वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते. कितनी ऐसी फिल्में अभी भी बनी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो रिलीज नहीं हो पा रही हैं. ऐसे स्थिति में अगर ये प्रोड्यूसर्स YouTube की तरफ जाते हैं, तब भी वहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक्चुअली उसमें इतना आपको संघर्ष करना पड़ता है यूट्यूब में कि जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पाता. बहुत मुश्किल से, धीमी गति से चलते 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 अगर कहीं जा करके एक सफलता मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमें चूँकि खुद की अगर आपने नई फिल्म बनाई है तो तुरंत में आप प्लेटफॉर्म उस पर तैयार करना और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है. इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसमें कि अभी जैसे हम लोग यूट्यूब लेते हैं, यूट्यूब में हमारा जब तक व्यूवर 4000 घंटे व्यूज नहीं होते हैं या हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता है, तो हम लोग चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते, उसमें हम लोग अपना अकाउंट डिटेल ये सब नहीं दे सकते. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना होने के बाद भी मोनेटाइज कैसे करना है, ये भी परेशानी का एक सबब बन जाता है. कई लोग तो उससे भी अनभिज्ञ होते हैं. तो हमने क्या किया है, हमारा जो ऐप है, इसमें आप पहले ही फर्स्ट डे ही जब आप चैनल बनाते हैं
उसी वक्त आपको अपना चैनल मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है बिजनेस अकाउंट के रूप में। जो बिजनेस अकाउंट जब आप करते हैं, चूंकि ये पूरी पारदर्शी बिजनेस है, ये टोटल ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें चूंकि ऑटो ऑडिटर और ऑटो क्रेडिटर एवरीथिंग सब कुछ लगा हुआ है, आपको किसी के पास नहीं जाना, कहीं आपको ये चक्कर नहीं लगाने कि पता नहीं मेरा कितना बिजनेस हुआ, मुझे क्या दिखाया जा रहा है, क्या मुझे मिल रहा है, ये सबसे आप बिल्कुल इससे पर्दा हटा हुआ है, कहीं भी कोई किसी भी बिजनेस में पर्दे नहीं है, इसमें बिल्कुल साफ सुथरा छवि का बनाया गया है। इसमें बिजनेस अकाउंट में हम लोगों ने क्या बेनिफिट दिया है, आप पेड वीडियो डाल सकते हैं। यूट्यूब में हम लोग डालते हैं तो सिर्फ फ्री वीडियो डालते हैं, पेड वीडियो का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे थ्रू, अगर हम उसके चैनल पार्टनर हैं, चैनल पार्टनर का किसी भी तरह से हम लोग पेड वीडियो नहीं डाल सकते। इसमें आप पेड वीडियो डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे फिल्म में दम है तो आपको सिर्फ पेड कर देना है, उसको ऑटोमेटिक उसमें रेंट और बाय का ऑप्शन ले लेगा। और ये जो बिजनेस होगी इसमें तीन तरह से बिजनेस है, आप पेड के थ्रू बिजनेस आ रही है, गूगल ऐड के थ्रू बिजनेस आ रही है, और जो कंपनी ऐड देगी उसमें भी आपको बिजनेस आ रही है। 18% GST काटकर 50% डायरेक्ट आपके अकाउंट में जा रहा है, कहीं से किसी तरह का कोई ये है ही नहीं। आप डेली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, डेली आपको लगता है कि आज क्या बिजनेस हुआ है हमारा, तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए आपका क्या बिजनेस किया है, कौन सा प्रोडक्ट आपका क्या बिजनेस किया है। तो ये बिल्कुल एक पारदर्शी पिक्चर से क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक बैरिकेडिंग लगाया है। क्योंकि क्या है, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई तरह की फिल्में हैं, वो ऐसी फिल्में डाल देंगे जो आप शायद परिवार के साथ ना देख सके, इसके लिए हम लोगों ने एक सेंसर लगाया है कि आपने फिल्म अपलोड तो कर दिया, फिल्म आपकी आ गई हम तक, लेकिन हमारा एक सेंसर बोर्ड उसको चेक करेगा ताकि हमारी क्वालिटी भी मेंटेन रहे और कोई ऐसी फिल्में हमारे पास ना आ जाए, ना रिलीज हो जाए कि कल को हमारे ऊपर कोई ब्लेम आ जाए या क्लेम आ जाए। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने एक अपना साफ सुथरा छवि के लिए, चूँकि स्वदेशी ऐप, ये स्वदेशी वर्ड जुड़ा हुआ है हमारे साथ और फर्स्ट स्वदेशी ओपन OTT प्लेटफॉर्म है, तो हमें इस स्वदेशी का भी सम्मान करना है और इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी गंदगी अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं रखी है, कोई भी गंदगी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे जैसे वो फिल्में अच्छी होंगी हम लोग उसको रिलीज करते जाएंगे, 7 डेज के अंदर आप अपनी फिल्म रिलीज कर सकेंगे। तो ये सारा सिस्टम बहुत बेहतर तरीके से हमने कोशिश किया है बनाने का, और जो इसमें अपग्रेड होगा, लोगों से जो भी राय मिलेगी कि और क्या हो सकता है बेहतर, वो हम लोग धीरे धीरे इसमें और भी अपग्रेड करेंगे। चूँकि हमारा एक और इसमें प्लान है, चूँकि अभी तक किसी भी, चाहे वो YouTube हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, किसी में वीडियोस के साथ PDF कभी भी नहीं दिया गया है। इसमें हमारा YouTube के साथ आप PDF भी, अपना नोटबुक हो या कुछ भी, ये इस चीज़ को हम लोगों ने एजुकेशन फील्ड के लिए यूज़ किया है, करना चाह रहे हैं हम लोग। चूँकि बहुत सारे हैं ऐसे हैं कि अभी सपोज कीजिए कि हमारा मुंबई के कोई टॉप क्लास के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की, एजुकेशन वीडियो। अब एजुकेशनल वीडियो अपलोड किया तो वो तो सिर्फ वीडियोस हैं ना, वो तो यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस जिनका चाहते हैं हमें मिल जाता है, पर उनके नोट्स बुक नहीं मिलते, उनके नोट्स नहीं मिलते बच्चों को। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वीडियोस के साथ सेम सब्जेक्ट का आप नोटबुक भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि बच्चे नोटबुक भी डाउनलोड कर लें और वीडियो भी डाउनलोड कर लें। फिर वो घर बैठे, कोई गांव का बच्चा भी क्यों ना हो, गांव में कोने में भी बच्चा हो, पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो इसके माध्यम से आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, बड़े प्रोफेसर की पढ़ाई कर सकते हैं इजी वे में। तो ये सब बहुत सारी इसमें फीचर प्लानिंग भी है हमारी जो चल रही है, काम अभी रेगुलर चल रहा है, लेकिन चूंकि अब इस पायदान पर हम लोग आ गए हैं कि ऐप को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। अब ऐप एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए, मार्केट में रन करना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग सारी तैयारियां और भी जो है फैलाते चले जाएंगे, लोग जुड़ते चले जाएंगे और कारवां बनता चला जाएगा। तो हमारे गेस्ट भी शहजाद खान जी आ गए हैं, प्लीज सर। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ चुके होंगे कि जो हमारा ऐप है उसकी विशेषताएं क्या है। प्लीज
सी हूँ, खेसारीवाल, निरहुआ, सब लोग को लेके बनाया हूँ, लेकिन अभी जनता दरबार मनोज आर पांडे जी को लेके बनाया, तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। और पंकज कमल जी से तो मैंने कई बार कहा कि भाई आपसे जो है चिता सर जी से इतना जमता है, एक बार मिलना चाहता हूँ मैं, आज हमारी वो भी मुराद पूरी होगी। और सर सजाद सर बैठे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में आके। विशेष बात की अभी पंकज कमल जी ने जो ये ऐप OTT प्लेटफॉर्म जो सैंडस्टोन प्रो चालू किए हैं, और मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामना है, और मैं माता रानी से विनती करता हूँ कि आपका ये OTT प्लेटफॉर्म भारत में जिस तरह से स्वदेशी नाम है इसका, और सब लोग स्वतंत्र होके एक अच्छी फिल्म बनाए। अभी चूंकि पंकज भाई बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि लोग सिनेमा बनाते हैं या जो भी छोटा बड़ा प्रोग्राम कोई भी बनाता है, कहीं ना कहीं सबको संतुष्टि नहीं मिलती है। मैंने भी वांटेड जैसी फिल्म बनाई है, मेरे भी मन में भावना थी कि साउथ में हिंदी में वांटेड बड़ी हिट हुई है, तो भोजपुरी में बना रहा हूँ, तो मैंने 60 दिन में मैंने फिल्म जो है कंप्लीट की थी। साउथ का फाइट मास्टर लेके मैंने और साउथ के फाइटर लेके सब बढ़िया से फिल्म बनाया। अब बढ़िया फिल्म बनाने के लिए जहाँ एक महीने का शेड्यूल होना चाहिए तो 60 दिन लग गया, तो 60 दिन का डबल बजट जाता है। सुनने में तो आया कि करोड़ों का बिजनेस हुआ, क्योंकि 2018 की ब्लॉकबस्टर सुपरहिट भोजपुरी की फिल्म है। वैसी फिल्म अभी इस बीच में कोई भी फिल्म पवन सिंह के हिट नहीं मारी थी, और उसके पावर स्टार पवन सिंह हीरो भी उसके थे। लेकिन हम जैसे प्रोड्यूसर अगर इतना बड़ा रिस्क लेके बड़ा बजट की फिल्म बनाए तो अपना पैसा भी तो आना चाहिए। पैसा ना आना ये हम लोग के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। पैसा लोग कमाते हैं लेकिन उनका अपना तरीका होता है। यूट्यूब पे देखेंगे तो एक एक सॉन्ग उसका जो है 30-35 करोड़ व्यूज मारा है, एक एक सॉन्ग। और फिल्म में 8-8 गाने होते हैं, 7 गाने होते हैं। पूरी फिल्म देखेंगे तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास उसका वन साइड पे जो है व्यूज है। तो सर आप लोग को तो आइडिया लगी जाता है कितने का कितना आता होगा। एक 4 मिनट के सॉन्ग में अगर उतना पैसा आता है तो 2.5 घंटे की फिल्म में कितना पैसा आता होगा, ऐड है क्या है सब मालूम पड़ता है, लेकिन मिलता नहीं। तो मेरी तरफ से यही शुभकामना है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, आगे भी मैं अभी मनोज पांडे जी को लेकर 3-4 फिल्म बैक टू बैक मार रहा हूँ। बड़ा अच्छा अच्छा टाइटल है, सब एक्शन फिल्म बनेगी। और मुझे कहीं ना कहीं एक और हिम्मत आया कि अब फिर मैं बिग बिग बजट की फिल्म बनाऊंगा। आप लोग का सर सपोर्ट रहा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि मतलब अच्छी फिल्म बनाई जाए, और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का अगर रिकवरी तक हम लोग पहुँचते हैं, जो पैसा कमाते हैं, तो भोजपुरी में भी भले हम भोजपुरी प्रोड्यूसर हैं लेकिन यहाँ भी चाहते हैं कि एक अच्छी फिल्म बने। आज भोजपुरी में 30-32 करोड़ की जनता है, हम बहुत पीछे हैं। फिल्में बनाते हैं, चल रही है, लेकिन सम्मान नहीं सर। आज आप लोग अगर उसका ट्रेलर खाली देखिएगा वांटेड का या सरकार राज का, तो लगेगा कि मैंने मेहनत किया है फिल्म बनाया। अगर आप लोग को समय मिलेगा जरूर देखिएगा, मैंने हिंदी या साउथ जैसा ही मैंने उसमें कुछ किया था, मतलब तुलना तो नहीं हो सकता, हिंदी अलग है साउथ अलग है, लेकिन भोजपुरी में भी कुछ अलग करने की कोशिश किया, लेकिन रिकवरी तो है सर लेकिन मिलता नहीं है। और मिलने का तरीका अगर यहाँ से लगता है तो बहुत अच्छा होगा, और आगे भी हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे। और क्या कहूँ, इतना कहने का मन कह रहा है आप लोग के बीच में, क्योंकि आज इस सैंडस्टोन प्रो जो OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की बात है। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना भी चिता अग्निश सर को, पंकज कमल जी को, संदीप मलानी जी और दीपक वर्मा जी, सब पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोग इस पे काम कीजिए और हम लोग आपके साथ में हैं। पंकज जी हमसे कहा करते थे कि
इस पे काफी दिन से इनका प्लान चल रहा था। अभी सजा सर ने कहा शूट के टाइम पे जो ये बात किए थे ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे तो कम से कम 15 साल से ज्यादा के ही मित्र होंगे। स्ट्रगल टाइम पे जो है हम लोग काफी दिन एक दूसरे को जानते हैं, साथ में रहे हैं, और तब से कुछ ना कुछ नया करने की इनकी जज्बा है। इन्होंने प्रोड्यूस भी किया, लॉस भी उठाया, हमने भी आज 12 पिक्चर में प्रोड्यूस कर चुका हूँ, जिसमें कुछ में ही रिकवरी या कुछ कमाई हुई है, नहीं तो मैंने भी बहुत लॉस खाया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता सर, फिल्में तो कंटिन्यू करनी है। और चूंकि अब कुछ कर रहा है, हमारे साथ में मनोज आर पांडे जी भी हैं जो अभी आपके बीच में आएंगे ही, और बहुत खुशी हो रही है सर। आज मैं चिता सर से मिल लिया, सजाद सर से मिल लिया, आप लोग की फिल्में देखता था जिगर, मैंने पता नहीं कितनी बार देखा होगा सर, गिनती नहीं है। पहले तो आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा। मेरी मामा कहती है कि मनोज उम्र से छोटे हो फिर भी बड़ा बनने का शौक रखते हो, तो अपने से बड़ी उम्र वालों से दोस्ती कर लो, उम्र से नहीं लेकिन अनुभव से बड़े हो जाओगे, क्योंकि जहां अनुभव होता है वहां हार नहीं होती। और मैं नहीं चाहती मेरा मनोज कभी हारे, और मैं भी अपने जो मेरे यंग भाई हैं जितने उनको मैं यही कहूंगा, आप लोग भी इस लाइन को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग भी कभी हारे। तो पहले तो मैं कहूंगा स्वदेशी है आप, नाम बाद में लूंगा मैं, क्योंकि स्वदेशी बहुत बड़ा नाम है। स्वदेशी हर विदेशी कहीं ना कहीं पहले स्वदेशी है, जड़ है तब पुलवी है। खाली पुलवी पकड़ेंगे तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे जड़ पकड़ लिया हो सक्सेस है तो आप लोग सक्सेस हो। अमित कमल जी, चिता सर, आप अनुभव है कहीं ना कहीं, आपका मैं क्या नाम लूं, आप तो सरपरी है, हमारे दुर्गुल के मुखिया है, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। संदीप जी, दीपक जी, आप सभी को दिल से विशेष से कहते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये सोच लो अगर मिलती है मंजिल उन्हें जिन्हें भरोसा है खुद पर। आप सबको, आप सब पर बहुत भरोसा था, आप लोगों का कदम दिन ब दिन आगे बढ़ता रहे। खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंग की ताल पर, लड़ना है जंग आप हैं दबंग, डरिए ना आप किसी हाल पर, जैसे जल श्रेता का बहता राहों के पत्थर तोड़कर। तो दिल से विषय से आप लोग खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। इतना प्यारा ऐप है सैंडस्टोन प्रो, पहला स्वदेशी ऐप है, ओपन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिस पर जिसके राजा आप खुद है। मैं, मेरी शुरुआत कहीं ना कहीं एक असिस्टेंट से हुई थी, मैं एडी था, मैंने साजी बहू, मैंने शाहरुख खान जी के साथ भी काम किया, यहाँ तक इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, नसीरुद्दीन शाह, मैं नाम लूँ तो बहुत सारे नाम हैं, पर सबके साथ काम किया मैंने। ये वहां पर एक लाइन मैंने सीखी थी जब मैं असिस्टेंट था, कि स्वर्ग लोक का दरबारी बनने से अच्छा है आप नर्क लोक के राजा बन गए। तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि यूट्यूब का ऑप्शन है ये, और स्वर्ग लोक का दरबारी बनने से अच्छा है आप नर्क लोक के राजा बन के रहे, वो ज्यादा बेटर है। और मुझे इतना पता है कि आप चारों मिलकर, यहाँ तक हमारी बहन है आरती जी, जथा नामे तथा गुड़े हैं उनकी आरती से, आप सब जरूर सक्सेस होंगे। तो वह एक दिन ऐसा आएगा कि ये नर्क लोक भी स्वर्ग लोक से ज्यादा प्यारा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, दिल से विशेष आगे मैं क्या कहूँ, बस सुना तो ऐसा लगा कि यहाँ कितने सारे फेसेस को देख के उनके चेहरे का तनाव बढ़ गया होगा, क्योंकि हर चेहरा एक तनाव लिए रहता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ उसके निर्माता पंकज, चीता और उनके सभी भी तनाव में होंगे, ये अगला कदम क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यकीन जानिए, आपने एक शब्द जो जोड़ा है वो शब्द है स्वदेशी, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये स्वदेशी ही आपको कामयाबी की बुलंदी पर पहुँचाए। भले ही नाम मैं आपके सैंडस्टोन हो, रेत का पत्थर भी जब लगेगा किसी को जाके, तो मुझे यकीन है कि यूट्यूब तिल मिलाए बगैर नहीं रहेगा। और तिल मिलाना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कदम उठाया है, इस देश के नेतृत्व ने कदम उठाया है, और आज मुझे खुशी होती है सब लोगों को देख के
कि हर कोई स्वदेशी को लेकर के नेतृत्व के गुणों के साथ में आगे बढ़ रहा है, और जिसने नेतृत्व करना सीख लिया वो दुनिया में छाएगा, हमारा सैंडस्टोन ब्रो भी चमकेगा और हम सबका नाम पूरी दुनिया में जगमगाएगा, चमकेगा। मुझे पूरा यकीन है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे कृष्ण कुमार जी ने यहाँ बुलाया, किरण जी ने बुलाया, आप सब ने यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपको जब कभी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा इसी तरह आपके साथ खड़े होंगे, सिर्फ आप आवाज दीजिए। थैंक यू महेश, बहुत दिन के बाद आपसे मिलना हुआ। सीता जी, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सुनीता जी आप फेलिसिटेट कर दीजिए, आपकी बहुत खास है, फेवरेट है। झा का प्यार भरा नमस्कार। थोड़ी तबीयत खराब थी फिर मैं संदीप जी के लिए आई हूँ। बहुत बहुत शुभकामना, मेरी बहुत ऑल द बेस्ट गुड विशेस, इतना मैं कहना चाहूंगी। मैम एक लाइन तो बनता है, क्यों थोड़ी एनर्जी आप लोग के भी बढ़ेगी। हाँ तो जोर से हाँ बोलिए, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। मेरे हस्बैंड के गाना पूरा सेट दो लाइन गुनगुनाते हैं। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, गला थोड़ा थोड़ा के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया मैंने सुन लिया, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। थैंक यू वेरी मच। और चूंकि ये स्वदेशी है तो स्वदेशी होना चाहिए, तो हमारे यहाँ मौजूद हैं मिस्टर ईश्वर सिंह नेगी जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का, और आज हमारी टीम पूरे देश में 3 करोड़ लोगों से पार है। आज हमारा जो PMJYJ का टीम जो हर एक ग्राम में पंचायत में लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके लोगों को मौका मिले, उनको उनकी योजनाओं का लाभ मिले, और इसके लिए सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है। हर प्रदेश में जाना, वहां पर जाकर के लोगों को मिलना और ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं ईश्वर सिंह नेगी जी, इनके बारे में क्या बोलूं, उत्तराखंड से हैं, और उत्तराखंड में आज जो भी CM आप देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अभी भी आप यहाँ पे जो हमारे गवर्नर हैं उनके बहुत खास हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर के, और मैं भी कल हमारी मुलाकात होनी है लेकिन शायद कल कुछ बंदी है। मैं चाहूंगा कि ईश्वर सिंह नेगी जी अपने लिए 2 शब्द। भारत माता की जय। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कमल पंकज जी और शेट्टी जी को, इन्होंने आज सीना चौड़ा कर दिया, जो स्वदेशी का ऐप इन्होंने आज जिसका उद्घाटन किया है। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। यही हम लोगों की इच्छा होती है। आप गूगल ने भारत में कब्जा, दुनिया में कब्जा कर दिया, भारत में कब्जा कर दिया गूगल के माध्यम से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल के पता साबित होंगे आप, और आशा करता हूँ कि आप ईमानदारी साथ काम करेंगे। जिस प्रकार से आपने गठन किया कहा, तो निश्चित रूप पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में
आपका परचम प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूक अभियान हम देश के अंदर चला रहे हैं और 300 करोड़ लगभग हम लोगों ने कार्यकर्ता हमारे बीच में है और दूर दूर तक गांव के जितने लोग हैं कोने का गांव छोड़ तक हमने अपने कार्यकर्ता दिए हैं। जिन लोगों को योजना का बारे में जानकारी नहीं है वो जानकारी हम अपने कार्यकर्ता के माध्यम से उनको देते हैं। हमारे राष्ट्रपाल पंकज कमल जी हैं, इन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत की है और इनका भी बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना में है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी अनिल कौशिक जी और हम वो 7 साल से लगभग इस काम को कर रहे हैं। हम चाहते हमारे देश में गरीब लोग रहे, हम भी दुनिया के सामने आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारी प्रेरणा है। पीड़ा भी है कि हम लोग बहुत पीछे आते हैं दुनिया, आप सब जानते हैं। और मैं चौथा स्तंभ जो मीडिया यहाँ बैठी है, मैं आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका सहयोग बहुत जरूरी है और आप ही लोग इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके माध्यम से बढ़ा जाएगा। हम तो एक कार्यकर्ता कार्यकर्ता ग्रुप में काम करते हैं लेकिन वहां तक आगे कैसे पहुंचा जाऊं, कैसे हम ज्यादा काम आप करते हैं, मैं शरण करता हूँ। आप लोगों का विनती करते हैं और आगे भी आप इस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कमल जी, बहुत बधाई आपको, बहुत आगे जाएंगे। मैं शुक्रिया। लोग जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि हम करीब 29 तक हम करीब 100 करोड़ आदमी हम अपने साथ रखेंगे और किसी भी आदमी को हम कच्चे मकान में बिना कपड़े के बिना खाने के नहीं रहने देंगे। उसके लिए हमें जैसे आप सहयोग है पत्रकार भाई भी हैं, अगर ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें एक अनोखा अनुभव होता है कि न्यूज जब डालते हो तो उसका ऊर्जा बढ़ती है हमारी। तो बाकी आप लोग सबने बताया, इन्होंने जो लॉन्च किया है ये अपने आप में मिसाल है और आगे जाके मिसाल ही बनेगी। जो चीज़ विदेश आज कर रहा है वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हो चुकी है, हमें तो उन्हें रिपीट करना पड़ रहा, मजबूरी में रिपीट करना पड़ रहा क्योंकि हम अपना सब कुछ भूल चुके हैं। तो इस चीज़ को अब जी ने बहुत 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 इनको बधाई और मैं तो ये कोशिश करूँगा कि इनके साथ हमेशा कुछ लोग ऐसे रहें जो कि ऊर्जा को बढ़ाते रहें। बाकी भारत माता की जय, 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 स्वदेशिया। बहुत अच्छा लगा और अब हम लोग जरा लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू करें। काफी लंबा समय हो गया भैया, प्लीज सारे गेस्ट हमारे जो आए हैं प्लीज जरा स्टेज पे आ जाएं भैया, प्लीज आइए ना, प्लीज चलिए चलिए। उसके बाद इंटरव्यू करेंगे बोलो।
मेरे छोटे भाई पंकज को जाता है और उसकी पूरी टीम को, सैंडस्टोन प्रो स्वदेशी ऐप, ये कब से इसके दिमाग की फैक्ट्री में चल रहा था, एट लास्ट वो बाहर आ गया है और इससे हमारे सारे भारत के देश में जो जितना भी टैलेंट है हमारे देश में, उस सबको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का मौका मिलेगा। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखी गई है इसमें, कितने व्यूज़, कितने शेयर्स, कितने लाइक्स आए हैं वो सब देख सकते हैं। इससे जो भी रेवेन्यू होगा वो सब में बांटा जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा संदेश हर कोने कोने और चप्पे चप्पे तक पहुँचाएं कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, जो भी कंटेंट है जिनके पास, वो इस पर ज़रूर डालें और अपने घर पे बैठे बैठे वो अपलोड कर सकते हैं और इसका पूरा पूरा फ़ायदा और जायका उठाए और साथ में कमाए भी, क्योंकि इस कोरोना काल में हम सब जानते कि हमारी क्या हालत हुई है। कहते ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा इन्होंने ये लाया है, सैंडस्टोन प्रो स्वदेशी ऐप, जिसमें आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। लोग आपका टैलेंट देखेंगे, आपको और काम मिलेगा और इस तरह से कड़ी जुड़ती जाएगी। और कुछ? थैंक यू। एक मिनट बाबू को रखो, बाबू को, हाँ एक मिनट सर, बाबू को रख लो ना, ये चिल्ला रही है। हाँ जी सर, क्या विशेषता है, क्या खासियत है यूट्यूब का? सर YouTube अभी तक लोगों ने सिर्फ YouTube ही देखा है। अभी तक हर किसी को लगता है कि बस बनाओ और YouTube पे डालो, इतना ये होगा तो इनकम होगी। एक छोटा सा वीडियो भी बनाते हैं सर तो हम प्रोड्यूसर्स को पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं बनते। उसमें मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है। पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जिनके पास रिजल्ट ज़ीरो है। हमें इस कड़ी को ठीक करना था। लोगों को अगर किसी ने 1,00,000 लगा करके एक वीडियो बनाया तो उसे 1,10,000, 1,20,000 ऐसा इनकम होना चाहिए, या हो सकता है कि लोगों की पसंद बन जाए तो वो कितना भी कमा ले। पर अब इसमें जो है, इसमें है ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप इसको, अभी तक YouTube पहला ऑप्शन था, एक ऑप्शन था, अब आपके पास एक और ऑप्शन है, सैंडस्टोन प्रो। ये स्वदेशी अपना ऑप्शन है सर, ये आपका है, अपने देश का है, हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहे, ये हमारा सोच है। हम चाहते हैं कि लोगों के पास जो भी छोटे बड़े जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो इसे अपनाएं और एक अच्छा मकाम तक ले जाने में पर्याप्त हों और लोगों को एक नए बिजनेस की ओर लेके जाने की इच्छा के अनुसार हमने इसको पूरी डिज़ाइन की है। हाँ नहीं बिल्कुल सर, कॉपी, देखिए कॉपीराइट तो सर हर जगह पे है। अगर आप किसी भी ऐसे जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या कहीं भी है, कॉपीराइट इम्पॉर्टेंट है सर। किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट बना रखा है और अगर आपने उससे कुछ चीज़ें निकाल करके अपना मिक्स करके आपने बना के डाल दिया तो कॉपीराइट बनता है सर। इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं करते हैं। कॉपीराइट का इसमें भी है, आप कॉपीराइट का पंगा आपको इसमें भी पड़ेगा अगर आप कॉपीराइट ओरिजिनल कॉपीज नहीं करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी सर, हाँ हाँ बिल्कुल, सर्वर हाँ बिल्कुल सर, सर्वर हमारा अपना है, अनलिमिटेड स्पेस है, आपको सर्वर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फास्ट सर्वर मिलेगा, पारदर्शी बिजनेस मिलेगा। आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहें, अगर हमने कोई बिजनेस सोचा है उसके लिए तैयारी की है तो वो अधूरी तैयारी तो करके नहीं उतरूंगा सर। तो हमारी भी तैयारी है और बहुत अच्छी तैयारी है, आप निश्चिंत होकर के इसमें आप जा सकते हैं।
कोई सवाल पूछता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या काम आया रहेंगे पर आपके लिए पंकज जी को? नहीं, पंकज जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि देश में तो कमल खिला ही था, अब आभासी दुनिया यूट्यूब की दुनिया जहाँ फैली हुई थी वहाँ पे भी कमल खिला दिया है, और ये स्वदेशी का कमल है। मुझे पूरा यकीन है कि पूरी दुनिया में चमकेगा। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, यूट्यूब से बहुत सारे लोग परेशान हैं, जब चाहें तब तो वो मोनेटाइजेशन बंद कर देते हैं, और उनकी मोनोपोली है। एक स्वदेशी OTT प्लेटफॉर्म जो कि सबके लिए ओपन है, उसका आना शुभ संकेत है ऐसे लोगों के लिए जो स्वदेशी पे भरोसा करते हैं, अपने पे भरोसा करते हैं, अपने लोगों पे भरोसा करते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए प्लेटफॉर्म है, हमारे देश के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, और मुझे यकीन है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कार्य करेगा और सबको लेकर के चलेगा, विकास में योगदान करेगा। इसलिए योगदान करेगा कि ये हर उस व्यक्ति की चिंता करता है जो भले ही 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, शॉर्ट फिल्म बनाए या एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो बनाए, बिना पैसे के कुछ बनता नहीं है। ये हर किसी की लागत का मुनाफा देने का काम करेगा, और पंकज जी और इनकी टीम इस मकसद में पूरी तरह से सफल होंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। हाँ, एक आप इसको मॉल, शॉपिंग मॉल जैसे होता है ना, आप बिल्कुल इसमें, आप अभी तक क्या है सर, आपको स्टॉक वीडियोस या स्टॉक इमेजेस, स्टॉक साउंड इफेक्ट्स, इनके लिए सटा स्टॉक के पास जाना पड़ता है। आपको इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी इसमें भी मिलेगी। आप इसमें वेबसाइट पे स्टॉक वीडियोस, स्टॉक इमेजेस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बोला आपको आगे चल के, अभी हमारी चल ही रही है वर्क, और भी चल रहा है इस पर, एस्टैब्लिशमेंट और भी हो रही है, जिसमें कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन फील्ड को भी हम लोगों ने इस पर सिक्योर किया है कि आगे चल करके हम लोग जो PDF ऐड करने वाले हैं, ताकि आप स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इसके लिए, क्योंकि वो अपना स्क्रिप्ट, सिनॉप्सिस और फुल स्क्रिप्ट वो अपलोड कर सकेंगे। अगर किसी प्रोड्यूसर्स को ये लगता है कि ये सिनॉप्सिस मुझे अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट मुझे जम रहा है, तो वो परचेज कर सकते हैं उसका स्क्रिप्ट वहाँ से। तो ये क्या ना, ये एक नया इनोवेटिव सब्जेक्ट है जो मैं थोड़ा, मेरा चल रहा है, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक अभी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, पर आपको संतुष्टि मिलेगी सर। बिल्कुल, आप सर, आपके पास मोबाइल है, sandstormpro.in जाइए, अभी चेक कीजिए, बीच में एक बार बफिंग जो स्टार्टिंग लेगा, जैसे हमारा हॉटस्टार चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, हमारा भी चल रहा है सर। और थोड़ा बहुत अभी नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कुछ 19-20 हो, पर ये अगर होगा भी तो वो बहुत जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारे साथ सर, बिल्कुल हमारे साथ सर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, IT की सर अभी नहीं बता सकता मैं आपको, इसके लिए सही वक्त आने दीजिए, वो भी इंट्रोड्यूस होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे सर, हमेशा मिलते रहेंगे, है ना, क्यों नहीं मिलेंगे सर, एक ही बार में छोड़ देंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम इंडस्ट्री में आके अभी 35-40 ईयर्स हो गया, बट इधर एक चीज़ देखा है हमें, जो बड़े बड़े हाउसेस है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस है, वो अपने आप को संभालता है, बट जब भी एक पैशनेट बच्चा बाहर से आता है, उसको कुछ एंटरटेनमेंट में करने का मौका मिलता है, और वो कुछ भी करके अपना घर बेच के, ये करके, वो करके, करके कुछ भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट वो प्रोडक्ट बनाने से, पूरा बनाने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए वो बहुत मुश्किल पड़ता है उसको, और इतना मुश्किल पड़ता है कि कभी कभी वो अपने आप को
ये फील्ड से मतलब निकलने का कोशिश करता है, बचा नहीं पाता है, और जो जगह से वो आता है उधर ऑलरेडी उसका एक ऑरा होता है कि वो बॉम्बे गया है और ऐसा फील्ड में काम कर रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ ऑलरेडी गांव में एक पहला वो होता है। उसको बचाने के लिए वो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो हार के अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो सरेंडर को जो चीज़ ऐसा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो भी हमारा ये टीम है इसको एक नया प्लेटफॉर्म सैंडस्टॉर्म प्रो ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इसमें सब लोग वर्ल्ड का कौन सा भी कोने में अपना प्रोडक्ट को बना के एंटरटेनमेंट का प्रोडक्ट को बना के अपलोड कर सकता है, और ये प्योर स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर सेल्फ सेंसर रहता है और हर फैमिली इसको देख सकता है, और उससे जो ये प्रोडक्ट का एक खासियत है जो भी इसमें इकोनॉमिक आता है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी है और हर चीज़ शेयरिंग में होता है 50-50 को। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर इंसान को, हर बच्चे को, हर यंगस्टर को इसको मद्देनज़र रखते हुए अपना एक दिल का ख्वाहिश ये प्लेटफॉर्म को तरह से पूरी कर सकते हैं। सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अभी तो चीता भैया ने बोला, फिर पंकज ने, सबने ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म का क्या, व्हाट इज़ द अर्सन। मैं ये कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म पूरी पारिवारिक है, 6 से लेकर 60 वर्ष के सब लोग देख सकते हैं, वो ऑलमोस्ट लाइक राजश्री फिल्म, जैसे राजश्री यश चोपड़ा की किसी फिल्म थे, सो एवरीबडी कैन वॉच दिस फिल्म। धार्मिक फिल्म भी होगी, पारिवारिक फिल्म होगी, एंड जो भी होगी पूरी प्योर एंटरटेनमेंट होगी फैमिली विथ नो एडल्ट रेटेड, नो सेक्स रेटेड, नो एडल्ट फिल्म ओनली, यूनिवर्सल फिल्म होगी एंड एवरीबडी विल एंजॉय इट। तो आई थिंक सो इसमें द जनरेशन नाउ, जैसे कि आप जानते हैं क्या हुआ है, तो जनरेशन नाउ शुड सर्टेनली वॉच दिस एंड इंडियन कल्चर को जरूर आगे बढ़ेगा। दैट्स ट्रू। यही कहेंगे जैसे मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, ऐसे ये मेड इन इंडिया है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। स्वदेशी है, स्वदेशी मतलब जमीन, जड़। मम्मी कहती थी कि बेटा जड़ जो ज़मीन पर चलता है उसको गिरने का डर नहीं होता, तो फिलहाल सैंड स्टोन प्रो को गिरने का डर नहीं, ये सक्सेस की हो रही है और निरंतर बढ़ता ही जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी पंकज कमल जी की कि उन्होंने कहा कि इस ऐप में एक सेंसर है, सेंसर बोर्ड है अपने आप में, तो इसको कहते हैं छन्नी कह लें कि छान के ही आएगा, तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही इस पर अपलोड होंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमको सेंसर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऐप में ही सेंसर है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। दिल से विशेष है कि हमको अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता था, ठीक है, जब हम बाहर से कोई चीज़ लाते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें टैक्स वैक्स दुनिया भर का लगता है, वो काफ़ी महंगा भी हो जाता है, और वो अपने हिसाब से हमें कहीं ना कहीं मूव करता है, हमको अपने हिसाब से मूव करता है, बट ये तो हमारा घर का है, ठीक है। हाँ, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है स्वदेशी है, अपने घर का खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं ना बाहर नहीं खाएंगे घर में खाएंगे, घर का खाना बहुत अच्छा है, तो ये हमारा घर का खाना है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऐप है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। चीता भाई, हाँ जी 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 ज़रूर, मेरा तो काम ही है, मैं एक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मुझे अपलोड होना ही, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सब कुछ हो गया है, जब सेंसर बोर्ड है अपने आप में, तो बहुत ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमारे मोदी जी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, तो आप सबने उसको फॉलो किया है, ये सेंसर बोर्ड लगाकर, ये भी स्वच्छता अभियान ही है जो इस ऐप ने जारी किया है। डॉक्टर जगदीश जी, जगदीश पारिक जी और कन्हैया लाल जी, प्लीज़ बयां करें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जगदीश पारिक और हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन, जो 29 राज्यों में और 27 देशों में काम कर रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मदद और व्यापार के क्षेत्रों में हम
लोगों को सोशल एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। इस सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म के साथ मिलके जो हमारे पूरे देश में करोड़ों वॉलंटियर्स हैं वो इस पूरे प्रकल्प को आगे बढ़ाएंगे। मेरी सबसे पहले तो कमल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, ओपन प्लेटफॉर्म मतलब नो रेस्ट्रिक्शन, वो लेके आए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर पूरे देश में इसको आगे बढ़ाएंगे और ये प्लेटफॉर्म बहुत सफल होगा, खूब सफल होगा। हेल्प इंडिया पूरे इस प्रकल्प में आपके साथ रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती। कन्हैया लाल जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, और ये बधाई केवल सर के लिए नहीं, मैं चाहूँगा पूरे इंडिया को एक बधाई है, क्योंकि भारत का पहला ओपन OTT प्लेटफॉर्म जो हमने आज लॉन्च किया है पंकज सर के माध्यम से। और अब तक केवल हम जैसे केवल बाहर के जो वेस्टर्न साइड से हमारे पास जो एप्लीकेशन थी उनके पीछे हमको उनका मोहताज रहना होता था, आज जो है हम मतलब मैं बहुत अंदर से बहुत खुश हो रहा हूँ ये सोचकर कि मेक इन इंडिया को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर हमने एक हमारी खुद की एक एप्लीकेशन ऐसी लॉन्च की जिसके साथ हम लोग काफ़ी एक बड़ा फ्यूचर देख सकते हैं। और जैसा हेल्प इंडिया की जो बात है, आज हम लगभग 10 लाख लोगों के साथ बाजार में हैं, काम कर रहे हैं, और भारत विश्व गुरु का जो हमारा लक्ष्य है हेल्प इंडिया का, उसमें मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। और भारत विश्व गुरु को लेकर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हेल्प इंडिया कार्यरत है, और उसमें एक जो है नेक्स्ट स्टेप सैंडस्टोन जो हमारी जो पंकज सर की जो कंपनी है उन्होंने उसमें एक काफ़ी अच्छा एक माइलस्टोन जो है ऐड कर दिया। और हमारा पूरा जो परिवार है हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसी के साथ एक बार फिर से बहुत